मुरादाबाद आए सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में हंगामा करने वाली महिला का ऑपरेशन हो गया है। कार्यक्रम से ही महिला को मुरादाबाद के जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को मुरादाबाद के मझोला स्थित बुद्धि विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। ये कार्यक्रम प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर था। इसी कार्यक्रम में एक मुस्लिम दंपत्ति अखिल और उनकी पत्नी बानो भी पहुंचे थे। इन्होंने कार्यक्रम में हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी और लापरवाही का आरोप लगाया। और आज वो एक कोर्ट पास गया, लोगों के भर के दम गया, कोर्ट में पहुंच चुका है। आपका आशीर्वाद मुरादाबाद मंडल को इसी तरीके से मिलता रहे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। समस्या क्या है भाई? माननीय मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत इन्हें सिविल लाइंस स्थित नागरिक अस्पताल पहुंचाया और सीएमओ को मेडिकल बोर्ड बनाकर ऑपरेशन करने को कहा। ऑपरेशन सफल होने पर उसके पति ने सीएम योगी का आभार प्रकट किया। कहा कि पहले अस्पताल के कर्मचारी ऑपरेशन के लिए रिश्वत मांग रहे थे, हंगामे के बाद उसी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बनाकर ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऑपरेशन पहले ही हो जाता तो उन्हें हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ऑपरेशन तो हो गया है, डॉक्टर शम्स खान साहब ने जो है ऑपरेशन कर दिया है। जो तो कार्यक्रम में आप पहुंचे थे वहां लगाई थी, क्या जिला प्रशासन आपकी मदद से ऑपरेशन करा दिया आपकी? हाँ, वहां से सरकारी गाड़ी से हमें बिठाकर लाया गया था हॉस्पिटल के अंदर और हमें भर्ती करा दिया गया था। तो जैसे 3 दिन के बाद हमारे पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है। पीड़िता और उसके पति ने बताया कि वो रामपुर के टांडा के रहने वाले हैं। महिला बानो की पित्त की थैली में पथरी थी। वो पहले रामपुर के जिला अस्पताल में गई थी लेकिन वहां से डॉक्टर उन्हें मुरादाबाद रेफर कर दिया, लेकिन यहां स्वास्थ्य कर्मी उसे भर्ती ही नहीं कर रहे थे। महिला के पति अखिल ने बताया कि सीएम के कार्यक्रम में हंगामे के 3 दिन बाद उनकी पत्नी का ऑपरेशन जिला अस्पताल में डॉक्टर शम्स खान ने किया है। ऑपरेशन सफल होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अखिल ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई भी की गई है।